ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रूट 10x का इंटीग्रेशन करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 6 नंबर में आ सकता है। मतलब जो भी मैक्सिमम वेटेज आपके बोर्ड पेपर में है वो मैक्सिमम वेटेज इसको दी जाती है। तो कैसे करना है इसको बताते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि जो आपका ये रूट 10x है, रूट 10x को टी मान लीजिए। रूट 10x को टी मानने का मतलब क्या हुआ, आपका 10x को टी स्क्वायर मानना। ठीक है, 10x को टी स्क्वायर मानना, ये लेट किया है इसके अंदर। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये आपका 2t dt बन जाएगा। डिफरेंशिएशन बड़ा सिंपल सा। अब यहां पर जो है dx sec स्क्वायर तो कहीं दिख नहीं रहा, तो ऐसे में क्या करते हैं इसको नीचे भेज देते हैं dx, क्योंकि हमें चाहिए dx। तो 2t dt अपॉन में sec स्क्वायर नीचे आ रहा, तो 1 plus 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, टेन स्क्वायर, देखो 10x तो मेरा टी स्क्वायर है, तो 10 स्क्वायर क्या होगा, टी की पावर 4 हो जाएगा। तो 2t dt और 1 plus t की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब चीजों को इसमें रखना शुरू कर दीजिए। सॉल्यूशन आपका स्टार्ट हो चुका है, जिसमें ये वाला हिस्सा हमारा काम आना है। तो रूट 10x की जगह तो आपका टी लिखा जाएगा, खाली रूट 10x की जगह टी लिखा गया। और dx की जगह, ये जो dx है, ये देखो ये dx ही तो है सारा, ये लिख दो इसके अंदर। तो जब मैं इसके अंदर लिखता हूँ तो 2t dt और पूरे के अपॉन में 1 plus t की पावर 4, और या फिर कह सकते हैं आपका 2t स्क्वायर 1 plus t की पावर 4 dt। अब आप जो देख रहे हैं ना, ये इतना हिस्सा मैंने देखा है अक्सर, इतना हिस्सा भी इट सेल्फ इज ए क्वेश्चन। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो अगर केवल इतना ही क्वेश्चन निकल के आए तो आप ऐसा क्वेश्चन भी कैसे करेंगे, वो भी इसका सॉल्यूशन भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, क्या करना होता है, आप देखो इसमें ट्रिक्स बहुत लगती हैं, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इसमें टी स्क्वायर और प्लस टी स्क्वायर ऐसे लिख दो। लिख सकता हूं 2t स्क्वायर को ऐसे कि नहीं। और उसके बाद आप इसमें देखो ट्रिक लगी है, आपका +1 और -1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं ऐसे। ये ट्रिक लग रही है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और एलसीएम को स्प्लिट कर दिया, 1 plus t की पावर 4 और 1 plus t की पावर 4 dt, ऐसे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या करना है, इनको फर्दर आपने दो टुकड़ों में कर देना है। दो टुकड़ों में करना कैसे है, तो मैं काम करता हूँ स्पेस बचाने के लिए, इसी में ही कर देता हूँ। ये आपका dt मैंने यहाँ लगा दिया, प्लस इंटीग्रेशन dt। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, कैसे किया ये, थोड़ा स्पेस बचाने के लिए मैंने ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप के अंदर टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो अगेन एक ट्रिक लग जाती है। तो इसमें टी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं ऊपर के न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो क्या मिलता है देखना। अगर आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो यहां तो 1, यहां पर टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर अगर आपने टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, यहां पर किया तो यहां पर सिर्फ टी की स्क्वायर। ठीक है ना, ध्यान से देखना। प्लस टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, माइनस किया 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन टी का स्क्वायर और प्लस का टी स्क्वायर आपका dt। अब इसमें एक ट्रिक और लग गई, वो ट्रिक क्या लगी है कि इस वाले में आप कीजिए -2 और +2, और यहां कीजिए +2 और -2। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए आपको समझाता हूं। देखिए इतना हिस्सा और इतना हिस्सा और एक कंप्लीट स्क्वायर बनता है, आप इसको देखना एक बार जरा, टी +1/t का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये बनेगा टी का स्क्वायर +1/t का स्क्वायर और 2ab, तो ये टी से टी कट जाएगा तो प्लस का 2 रह गया। आप ये देख सकते हो ये चीज यहां मैच कर रही है। और अगर यह माइनस होता ऐसे, अगर माइनस होता तो क्या होता, टी स्क्वायर +1 अपॉन टी स्क्वायर -2ab, तो माइनस का 2 होता। तो ये चीज आपकी इससे मैच कर रही है। इसका फायदा क्या होगा, इसका देखो फायदा नेक्स्ट स्टेप में आपको समझाऊंगा मैं। आप इसको ऐसे लिखो 1 अपॉन टी स्क्वायर, और ये आपका क्या बन जाता है, माइनस वाला था तो ये वाला यूज होगा, टी -1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और प्लस का 2।
dt और प्लस आपका 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, और यहां पर इतने हिस्से का बन जाता है टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर और माइनस का 2 dt। ठीक है, क्या फायदा था? देखिए इसको, ये जो आपका इतना हिस्सा, ये इसको आप यू मानो, इसको यू मानो, और ये जो आपका इतना हिस्सा है ये इसको आप वी मानो, वी। तो जब इसको वी लेट करोगे और इसको यू लेट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन देखो, टी का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस 1 अपॉन टी का प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आपका डी यू बन जाएगा पूरा। और इसमें टी का डिफरेंशिएशन 1 और 1 अपॉन टी का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, तो ये आपका क्या बन जाएगा, डी वी बन जाएगा। तो आपको दिखा देता हूं यहां पर करके, देखो यू आपने क्या माना है, यू माना आपने टी माइनस 1 अपॉन टी, तो दिस इंप्लाइज योर डी यू इक्वल्स टू क्या होगा, वो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी का स्क्वायर डी टी, और ये आपका इसमें यूज हो जाएगा। और जो आपका वी है, वी थोड़ा सा यहां से शुरू करता हूं ताकि यहां पर थोड़ा सा कंजेस्टेड हो गया था। टी प्लस 1 अपॉन टी अगर आप मानते हैं तो दिस इंप्लाइज आपका जो डी वी है, डी वी क्या बनेगा, देखो टी का 1 और 1 अपॉन टी का माइनस का 1 अपॉन टी स्क्वायर आपका ये डी टी। तो ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये तो आपका क्या बनेगा, डी वी बन जाएगा। और ये जो पूरा पोर्शन है आपका, ये आपका क्या बन जाएगा, डी यू बन जाएगा। देख सकते हो आप, ये देखो ये सारा। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और लिखते हैं ये आपका डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस 2, ये बनेगा। तो लिखते हैं डी यू ओवर यू स्क्वायर प्लस 2। अच्छा प्लस 2 जो है ना, अंडर रूट 2 करके स्क्वायर कर दो, प्लस वो आपका डी वी बनना था, और क्या है वी स्क्वायर माइनस 2 है ये, तो वी स्क्वायर माइनस 2, माइनस 2 की जगह ऐसे कर दो। अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, इसका क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए यानी यू अपॉन रूट 2 प्लस इसका क्या होगा, 1 अपॉन 2 ए नेचुरल लॉग एक्स माइनस है यानी कि वी माइनस अंडर रूट 2, और एक्स प्लस है यानी कि वी प्लस अंडर रूट 2 प्लस सी। अब चीजों को रिटर्न करना शुरू कर दो, देखो 1 अपॉन रूट 2 तो है ये सही, टेन इनवर्स यू क्या माना था हमने, यू देखो ये माना था टी माइनस 1 अपॉन टी माना था। ठीक है, लिखो इसको पहले आप यहां पर, तो टी माइनस 1 अपॉन टी ये माना था तो इसको रिटर्न कर दिया, अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 नेचुरल लॉग, ये आपका क्या माना था, टी प्लस 1 अपॉन टी माना था, टी प्लस 1 अपॉन टी माना था माइनस के अंडर रूट 2, टी प्लस 1 अपॉन टी प्लस के अंडर रूट 2 प्लस सी। अब टी भी क्या माना था, देखो टी मेरा रूट 10x है, इसको भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो इसमें एक बार रिटर्न करने से पहले देखो, ये टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन रूट 2 टी हो जाएगा, तो इसको ऐसे रिटर्न करेंगे हम, 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स ये आपका टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब 10x माइनस 1, और जो एलसीएम का जो टी है वो टी यहां ना है, तो टी मेरा कितना, रूट 10x, तो ये अंडर रूट में भेज दो, ऐसा करो, ऐसे ऐसे लिख दो 2 10x लिख दो ऐसे। ठीक है, और प्लस का 1 अपॉन 2 रूट 2 यहां पर भी आपने एलसीएम लेना, तो यहाँ टी स्क्वायर, यहां पर टी आएगा, यहाँ टी स्क्वायर, यहां पर टी आएगा, यहां 1 ही रहेगा, और टी से टी कटा हुआ, तो टी स्क्वायर मतलब आपका 10x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 2 10x कर दो ऐसे, और अपॉन में 10x, टी स्क्वायर है ना, तो 10x हो गया प्लस 1 प्लस रूट 2 इंटू टी, और टी आपका रूट 10x है, तो ये रूट रूट दोनों साथ में ले जाओ, तो ये 2 10x कर दो प्लस सी। इससे सिंप्लीफाई हो नहीं सकता, दिस इज योर फाइनल आंसर। ये क्वेश्चन कम से कम आप 2-3 बार
प्रैक्टिस जरूर करके देखें, तभी आपको इसके तरीका समझ में आएगा। इसमें ट्रिक कहाँ कहाँ लगी है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन कौन से थे, वो आप एक बार देख लो। एक ट्रिक तो आपकी देखो यहीं लग गई, यहाँ पर आपकी ट्रिक लगी है, फिर देखो यहाँ पर ट्रिक लगी है आपकी, है ना। तो ये दो स्टेप्स आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और इनफैक्ट ये देख सकते हो इसके बाद जो स्प्लिट हुआ है वो अपने आप में एक ट्रिक है। मतलब 2t² को t² + t² किया हुआ है, t² से डिवाइड भी किया हुआ है। इसमें दो ट्रिक है, इनफैक्ट डबल ट्रिक है इसके अंदर आपकी, इसमें डबल ट्रिक लगा रखी है ना। आप एग्जाम में इसको अलग से दो सेपरेट स्टेप्स भी दिखा सकते थे, बट क्योंकि यहाँ स्पेस कम रहता है हमारे पास, तो इसलिए मैंने इसको एक में ही दोनों स्टेप्स लगा दिए। दोनों ट्रिक एक में लगा रखी है, t² से डिवाइड भी किया और -2 + -2 + 2 ये इकट्ठा इसमें लगा दिया। तो ये इनकी की ट्रिक्स हैं। अगर ये की ट्रिक्स आपको याद रही और ये स्टेप्स याद रहे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाओगे, ठीक है।